भारतीय जनता पार्टी उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से नरेला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़वाने का आदेश दिया है। और शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल और उनके विकास के एजेंडे को आगे रखकर और आगे आने वाले समय में शिवराज जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हम तीसरी बार सरकार बना के मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, इस बात को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा। अब नरेला विधानसभा मेरे लिए केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि एक बड़ा परिवार है और उस परिवार के सदस्य के रूप में जनता की सेवा के संकल्प के साथ में चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का विश्वास मुझे मिलेगा, उनकी सेवा करने का आदेश मुझे मिलेगा। देखिए, हमने चुनाव के वक्त पिछले चुनाव में ये वादा किया था कि नरेला विधानसभा के एक एक घर में नर्मदा पहुँचाएंगे, वो वादा पूरा हुआ। नर्मदा का कार्य बहुत स्थान पर पूरा हो गया, नर्मदा का जल पहुँच गया है, हमने करोड़ों की लागत से रोड बनवाई हैं। अब नरेला विधानसभा को मैं अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में एक अव्वल दर्जे की विधानसभा के रूप में स्थापित करूंगा और मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र में सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम मुझे लगता है कि इस देश में उतना विकसित नहीं हो पाया जितना विकसित होना था। मेरा ऐसा लक्ष्य है कि पुराने चुनाव के वादे मैंने पूरे किए और अब आगे आने वाले समय में मैं नरेला विधानसभा में एक आदर्श ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम स्थापित करूंगा। कहा जाता है चंडीगढ़ में यह सिस्टम बहुत अच्छा है, हम चंडीगढ़ से भी ज़्यादा अच्छा सिस्टम नरेला विधानसभा में अगले 2 वर्षों में स्थापित करेंगे।